हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं आपके लिए लिनोवो का आइडिया पैड स्लिम 5। जी हाँ, ये आइडिया पैड स्लिम 5 अल्ट्रा 5 प्रोसेसर के साथ है। जैसे कि हमने आपको पहले भी दिखाया था, जो अल्ट्रा 5 प्रोसेसर के साथ लिनोवो ने लैपटॉप लॉन्च किए हैं वो हमारा 14 इंचेस का था, ये 16 इंचेस का था। अब आप ये सोचेंगे वो 14 और ये 16 में और डिफरेंस क्या है। देखिए, इसमें डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। खास तौर से जब आपको हम बैक पैनल ओपन करके देखेंगे वहां आपको डिफरेंस जरूर दिखाई देगा। देखिए, अलग वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि हम आपको बैक पैनल जो ओपन करके दिखाते हैं, अगर लैपटॉप के अंदर बैक पैनल में डिफरेंस है तो हमारा हम ये सोचते हैं कि आपको लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो आपको जरूर ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि 14 और 16 इंचेस में डिफरेंस क्या है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ये लैपटॉप हमें मिला है लिनोवो से और जिस डीलर के थ्रू हमें मिला है वो दिल्ली के अंदर करोल बाग में केपीएनजी टेक्नोलॉजीज लिनोवो एक्सक्लूसिव स्टोर से हमें ये लैपटॉप मिला है। ये लैपटॉप अनबॉक्स होने के बाद वापस लिनोवो के पास चला जाता है इसी डीलर के थ्रू। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली नए नए लैपटॉप की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। देखिए, बॉक्स के अंदर हमें दो आइटम मिली है, एक है चार्जर और एक लैपटॉप। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था पावर कोड नहीं आई थी, डिफरेंट टाइप का अडेप्टर जो लिनोवो ने दिया है, 65 वॉट का अडेप्टर है और टाइप सी के साथ। जी हाँ, टाइप सी हमेशा आपको लैपटॉप में फास्ट चार्जिंग देता है। तो यहाँ पे भी हमारा कुछ चेंजेस है, पहले के लिनोवो के आइडिया पैड स्लिम 5 जितने भी लैपटॉप आते थे वहां से कुछ चेंजेस हैं। आइए अब हम आते हैं लैपटॉप के ऊपर। देखिए, अगर हम लैपटॉप को उठाते हैं, अगर हमारी जो सबसे पहली बात जाती है वेट की, तो 16 इंचेस का लैपटॉप है तो वेट नेचुरल है थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसका जो वेट है 1.89 केजी का इसका वेट है। अगर हम स्लीकनेस की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा स्लीक आपको लैपटॉप दिखाई देगा। आप इस वे में देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम एक हमने पेन पकड़ रखा है, बहुत ही चारों तरफ से आप इसको देखेंगे बहुत स्लीक लैपटॉप है। एल्युमिनियम बॉडी के अंदर जो हम ये देखेंगे, टॉप भी और बॉटम भी दोनों एल्युमिनियम बॉडी में आपको मिलते हैं। अगर हम बॉडी की क्वालिटी की बात करें, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी लिनोवो ने अपनी इस आइडिया पैड स्लिम 5 के अंदर दी है। एक हाथ से ओपन करके देखते हैं, एक हाथ से ओपन नहीं हो पा रहा है, नीचे से उठ गया है। अगर हम वॉबलिंग की बात करेंगे तो आपने शायद नोट किया हो, तो जैसे हमने उठाया लैपटॉप को, इस पर ऐसा कुछ वॉबलिंग देखने को हमें नहीं मिली है। इसमें हमें ये मैनुअल फेस से मिलता है। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप को बूट अप करते हैं, इतने से लैपटॉप के पोर्ट देखेंगे, फिर लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन, और कहीं मत जाइएगा, लैपटॉप का बैक पैनल भी आपको ओपन करके हम दिखाएंगे। अगर आप पोर्ट्स की बात करेंगे तो लैपटॉप के राइट साइड में आपको चार पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। जो पहला पोर्ट्स आपको मिलेगा वो है टाइप सी। जी हाँ, यूएसबी टाइप सी आपको मिलता है 3.2 Gen 1। दूसरी तरफ आप दूसरा पोर्ट आपको दिखाई देगा HDMI 1.4, जिससे आप एलईडी टीवी और प्रोजेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको एक और मिलता है टाइप सी पोर्ट, वो भी आपका 5 Gbps यूएसबी 3.2 Gen 1। और एक आपको मिलता है साउंड के लिए, यानी कि आपको 3.5 mm का हेडफोन और माइक्रोफोन जैक, जिसमें आप स्पीकर और हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बात करेंगे लैपटॉप के लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आपको तीन पोर्ट देखने को मिलेंगे। दो पोर्ट हैं आपके यूएसबी, दोनों ही आपके जो यूएसबी पोर्ट हैं वो 3.2 जेन 1 के साथ है, 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ। लेकिन जो थोड़ा सा दोनों में एक डिफरेंस है, एक आपका हमेशा ऑलवेज ऑन है, जिसमें आप देखेंगे जो फर्स्ट पोर्ट है वो हमेशा उसमें पावर ऑलवेज ऑन मिलेगी। अगर आपको अपना चार्ज करना है, आपका मोबाइल फोन या कोई और आईपैड चार्ज करना कर सकते हैं आप इससे। और एक आपको मिलता है माइक्रो एसडी कार्ड रीडर, आपके कार्ड को रीड करने के लिए। लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, बात करेंगे प्रोसेसर की। इंटेल अल्ट्रा कोर 5.25H आपको इसमें प्रोसेसर मिलता है, अल्ट्रा सीरीज के अंदर, अल्ट्रा 5 में फर्स्ट जनरेशन आपको ये प्रोसेसर इंटेल ने दिया है। बेस स्पीड की बात करेंगे तो 1.2 GHz है टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ ये प्रोसेसर आता है, 4.5 GHz मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इसमें मिलती है। देखिए, अल्ट्रा कोर की जो खास बात है वो कोर्स में आती है, 14 कोर्स इसमें मिलते हैं। अब आप सोचेंगे खास बात क्या है भाई, ऐसे क्या खास बात दे रहे हो आप? देखो, हम तो दे भी नहीं रहे, लिनोवो दे रखा है, लिनोवो में भी इंटेल ने आपको इस प्रोसेसर में खास बात दी है। देखिए, 14 कोर है, पहले हम देखते थे परफॉर्मेंस कोर और एफिशिएंट कोर, जिसको हम पी कोर ई कोर कहते थे। अगर 14 कोर में होते थे, जैसे 4 या 6 हमारे पी कोर हो गए और 8 या 10 हमारे एफिशिएंट कोर हो गए, लेकिन इसमें आपके 4 परफॉर्मेंस कोर है यानी पी कोर है, 8 ई कोर यानी एफिशिएंट कोर, और 2 हमारे हैं लो पावर
एफिशिएंट कोर। जी हाँ, अगर आपके काम की बहुत आपको जरूरत, बहुत हैवी काम की जरूरत नहीं है, तो आपका लो पावर एफिशिएंट कोर में आपका काम चल जाएगा। लो एफिशिएंट पावर कोर, जो आपके लो पावर एफिशिएंट कोर का फायदा ये होता है कि अगर आप हैवी वर्क नहीं कर रहे, लो लाइट वर्क कर रहे हो, तो उसमें आपका बैटरी बैकअप काफी बढ़ जाता है। अगर हम उनकी मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, परफॉर्मेंस कोर की 4.8 है, सॉरी परफॉर्मेंस कोर की 4.5 है, एफिशिएंट कोर की 3.6 है, और लो पावर एफिशिएंट कोर की 2.5 गीगाहर्ट्ज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। यहां जो बेस स्पीड 1.2 गीगाहर्ट्ज़ है, वो परफॉर्मेंस कोर की आपको देखने को मिलेगी। अगर आप लो पावर एफिशिएंट कोर की जो बेस स्पीड की बात करेंगे, तो 700 मेगाहर्ट्ज़ आपको मिलती है। लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे तो वो 18 है, और L3 कैशे की बात करेंगे तो वो भी 18 MB आपको इसमें मिलेगी। मेमोरी देखिए 16 GB की रैम है, 16 GB LPDDR5 रैम आपको मिलती है। इसकी स्पीड देखिए 7467 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ आपको इसकी रैम मिलती है। दो स्लॉट है, दोनों यूज्ड है। लैपटॉप ओपन करके देखेंगे सोल्डर है या आपकी चिप लगी हुई है, वो आप लैपटॉप ओपन करके आपको दिखाएंगे। डिस्क देखिए हाइनेक्स की आपको, एसके हाइनेक्स की आपको मिलेगी। 1 TB SSD आपको मिलती है, जिसकी कैपेसिटी आपको 954 GB मिलेगी, और जेन 4 की SSD आपको इसमें लिनोवो ने दी है। ग्राफिक्स इंटेल आर ग्राफिक्स, पहले हम देखते थे इंटेल USD ग्राफिक्स, फिर आया हमारा इंटेल आयरिस ग्राफिक्स, नाउ इंटेल आर ग्राफिक्स इंटेल ने अपने प्रोसेसर में दिया है, अल्ट्रा प्रोसेसर में, जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मेमोरी नहीं है, जैसे हम AMD के लैपटॉप्स में देखने को, AMD के प्रोसेसर्स में देखने को हमें मिलती है। इसमें भी सिर्फ शेयर्ड GPU मेमोरी है, जो रैम को शेयर करता है। 7.8 GB हमारी 16 GB की रैम होती है, तो हमारी 7.8 GB वो शेयर करता है। ये डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं है, इसलिए याद रखिएगा ये इंटीग्रेटेड है। लेकिन जो पहले इंटेल USD आता था, इंटेल आयरिस आता था, उससे ये बेटर ग्राफिक्स आपको मिलता है। डायरेक्ट X12 को ये सपोर्ट करता है। बात आ गई NPU की, ये डिफरेंट आता है इंटेल AI बूस्ट के साथ। अब आप देख पूछेंगे ये क्या है, ये वही प्रोसेसर का एक पार्ट है, हम जो कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेसर, उसका ये पार्ट है NPU। इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी, अभी आप याद करिए रखिएगा, ये हमारे AI के लिए काम होता है। फ्यूचर जो हमारा AI का है, ये उसमें आपको हेल्प करता है। जो वॉइस अभी आप सुन रहे थे कॉन्फ़िगरेशन के समय, वो हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड की थी, जिससे माइक की क्वालिटी आपको पता चल जाए। अगर हम इसके स्क्रीन की बात करेंगे, तो स्क्रीन आपको इस पे 16 इंची की WUXGA स्क्रीन मिलती है। 1920x1200 इसका रेजोल्यूशन है। IPS 300 nits है। एंटी ग्लेयर स्क्रीन आपको मिलती है। 100% sRGB आपको इसके अंदर स्क्रीन मिल जाती है। अगर हम कैमरे की बात करेंगे, तो इसमें आपको फुल HD 1080p कैमरा मिलता है, विद IR प्राइवेसी शटर के साथ आपको इसका कैमरा मिलता है। जो अभी आप मुझे देख रहे हैं, वो वीडियो हम इसी लैपटॉप के कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे आपको कैमरे की क्वालिटी पता चल जाए, और वॉइस भी हम इसी लैपटॉप के माइक की यूज कर रहे हैं। 1080p का इसमें आपको कैमरा मिलता है। चलिए दोस्तों, लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाते हैं। बैक पैनल देखिए, लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, तो चलिए देखते हैं। देखिए लैपटॉप ओपन होते ही आपको सबसे पहले दिखाई देंगे आपको डबल फैन। जी हाँ, दो फैन आपको दिखाई देंगे। अल्ट्रा 5 प्रोसेसर है, हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी अल्ट्रा 5 प्रोसेसर 14 इंच के लैपटॉप के साथ, उसमें वन फैन था, क्योंकि उसमें जगह नहीं होती है 14 इंच में। इसमें आपको देखेंगे दो फैन आपको दिखाई देंगे। अगर हम बात करेंगे अभी हम इसमें जो ब्लैक टेप लगी हुई है उसके साइड में देखेंगे, तो आपको एक सिल्वर स्ट्रिप दिखाई देगी। उसके नीचे हमारी रैम है, 8 GB की दो चिप लगी हुई है, जो सोल्डर्ड है, LPDDR5 है, इसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। हम इसको हटा के देखते हैं, जब हम इसको हटाते हैं तो हमें इसमें दिखाई देती है नीचे SSD लगी हुई, और हमें प्रोसेसर भी वहां पे लगा हुआ दिखाई देता है। SSD इसमें देखिए, इसमें लगी हुई है, 1 TB की SSD है। आप देखेंगे, एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है SSD लगाने का। यहां पे देखिए, यहां पे आपको एक SSD लगाने का स्लॉट लिनोवो ने दे रखा है, यानी 1 TB की इसमें लगी हुई है। 1 TB और आप इसमें एक और लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसमें यहां पे देखिए वाईफाई आपको दिखाई देता है, वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.2 आपको इस लैपटॉप में मिल जाता है।
हम बैटरी की बात करेंगे तो 57 वर्क आवर की बैटरी आपको इसमें देखने को मिलती है। देखिए साइज थोड़ा डिफरेंट है, हमें नॉर्मली एक स्ट्रेट दिखाई देती थी एल शेप की, हमने 14 इंच में देखा था उसमें भी एल शेप की बैटरी थी और इसमें भी एल शेप की बैटरी हमें दिखाई देती है। यहाँ पे हमें कुछ स्पेस दिखाई देता है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, यहाँ ब्लैंक छोड़ रखा है लेनोवो ने। दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया Lenovo IdeaPad Slim 5 Ultra 5 प्रोसेसर के साथ 125H 16GB RAM 1TB SSD और Intel Arc ग्राफिक्स के साथ। देखिए अगर हम बात करेंगे लैपटॉप की, अगर आपको 16 इंचेस में लैपटॉप आप देख रहे हैं, 80,000 तक की रेंज में आप लैपटॉप देख रहे हैं, तो ये लैपटॉप आप ले सकते हैं। देखिए इसके फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो अल्ट्रा 5 प्रोसेसर मिलता है, आगे जब आप AI यूज करेंगे, AI बेस्ड आप एप्स यूज करेंगे तो वो जितनी भी ऐप्स हैं वो ये लैपटॉप सपोर्ट करेगा। अगर हम इसके बात करेंगे स्क्रीन की तो ऑलिड स्क्रीन आपको इसमें देखने को मिली, जैसे कि हमने बताया ऑलिड स्क्रीन है, ठीक है। 16GB की रैम है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपकी 7467 मेगाहर्ट्ज की आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है, 1TB की SSD। और जैसे कि हमने इसको देखा लैपटॉप का, जब आपने बैक पैनल ओपन किया था तो आपको स्लॉट्स भी SSD के दो दिखाई दिए, जिसमें एक में ऑलरेडी SSD लगी हुई थी और एक ब्लैंक था, यानी आप SSD अपग्रेड कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप ये मुझे लगा, मुझे कहीं इस लैपटॉप में कमी नहीं दिखाई दे रही कि मैं ये कहूं कि इसमें ये कमी है कि आप यहाँ पे इस Lenovo इसको इम्प्रूव कर सकता है। हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ Lenovo इसके प्राइस कम कर सकता है, वो हमारा हक है, हम जरूर डिमांड कर सकते हैं Lenovo से कि आप इसका थोड़ा सा प्राइस कम कर लीजिए, लेकिन अभी Lenovo मुझे नहीं लगता करेगा क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन में Lenovo के कोई भी नहीं है इस रेंज के अंदर अल्ट्रा 5 प्रोसेसर में, और इतने बेहतरीन लैपटॉप के साथ अभी तक हमने किसी भी कंपनी में ये नहीं देखा है। तो अगर आप लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आपको मिल सकती है। लेकिन वो इसके साथ आपको 1 ईयर की ऑन साइट वारंटी देता है, अगर आप वारंटी एक्सटेंड कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। जब भी आप Lenovo एक्सक्लूसिव स्टोर पर जाएंगे तो आप वहां से जरूर पूछिएगा कि अभी क्या ऑफर चल रही है, टाइम टू टाइम Lenovo आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर वारंटी एक्सटेंड की ऑफर देता रहता है। और अगर आपको इसकी एक्सटेंडेड डैमेज प्रोटेक्शन लेनी है, देखिए मैं हमेशा ये कहूंगा जब भी आपको वारंटी एक्सटेंड करानी है तो आप कोशिश करिए एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन जरूर लीजिएगा। अब आप सोचेंगे एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन क्या है, एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन मतलब अगर लैपटॉप आपका डैमेज हो जाता है, देखिए लैपटॉप के साथ 1 ईयर वारंटी मिलती है लेकिन डैमेज की नहीं मिलती, आपने लैपटॉप परचेज किया और नेक्स्ट डे कहीं स्क्रीन ब्रेक हो गई या बॉडी ब्रेक हो गई, आपको वारंटी नहीं मिलेगी उसकी। लेकिन ADP यानी एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन के अंदर आपको अगर स्क्रीन, देखिए ऑलरेडी स्क्रीन है, जब आप मार्केट में अगर बाई चांस या ब्रेक होती है लगवाने जाएंगे 20 से 25 हज़ार रुपये की आपको कम से कम ये स्क्रीन मिलेगी, कम से कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही मिलेगी। तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में 4-5 हज़ार के अंदर आपको एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन आपको Lenovo से मिल जाती है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, आज भी यही कहूँगा कि अगर आपने वारंटी एक्सटेंड करानी हो तो सिर्फ Lenovo की ही कराइएगा, Lenovo से ही, थर्ड पार्टी आप मत करिएगा, क्योंकि आपको वारंटी मिलेगी नहीं, मिलेगी तो काफ़ी लेट मिलेगी, नहीं तो आपको पार्ट पेमेंट कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। आप जब भी Lenovo एक्सक्लूसिव स्टोर पर जाएंगे तो उसके एग्जीक्यूटिव से जरूर पूछिएगा कि अगर मुझको वारंटी एक्सटेंड करानी है तो उसका ऑप्शन क्या है। और हम हमेशा यही प्रेफर करते हैं लोगों को, जब भी आप लैपटॉप लें तो Lenovo के एक्सक्लूसिव स्टोर से ही लीजिएगा, आपको जो भी ऑफर चल रही होगी, जैसे जब आपका मार्च और अप्रैल आता है तो आपको बैक टू स्कूल ऑफर मिल जाती है, आपका जून के आसपास जून जुलाई में आपको बैक टू कॉलेज ऑफर आती है, फेस्टिवल ऑफर्स आपको मिलती रहती है, तो वो Lenovo के एक्सक्लूसिव स्टोर पर ही आपको मिलेगी, वो और किसी भी MBOs पे आपको ऑफर्स को आराम से नहीं मिलती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल लैपटॉप मास्टर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे यही कहूंगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे फ्यूचर में आने वाली नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।